साप्ताहिक पाबंदियों की पटरी पर लौटा जनजीवन, सभी दुकानें खुलने से बाजारों में फिर लौटी रौनक। लॉकडाउन लागू करवाने के तरीकों पर उठ रहे सवाल। तमिलनाडु में हिंदू युवती के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला पकड़ रहा तूल, सातवें आसमान पर पहुंचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गुस्सा। केंद्र सरकार से की धर्माचरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। नॉन माइग्रेंट सिखों को कश्मीरी विस्थापितों की तर्ज पर रोजगार मिलने पर भड़क रहा गुस्सा, सिख समुदाय ने दी बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना के कारण लगाई गई साप्ताहिक पाबंदियों के बाद आज समूचे जम्मू कश्मीर में आम जनजीवन पटरी पर लौटा है। हर जिले में गैर जरूरी वस्तुओं से जुड़ी दुकानें खुलने से बाजारों में रौनक लौट आई है। और जम्मू जिले में हालांकि पाबंदियों का दौर शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू हुआ था, लेकिन कई अन्य जिलों में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे ही दुकानें बंद करवा दी गई थी। जम्मू शहर के सभी बाजारों में आज चहल पहल लौट आई और उन दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली जिनकी दुकानों पर शनिवार और रविवार को ताले लटके रहे थे। लोग हालांकि साप्ताहिक पाबंदियों को लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नजर नहीं आ रहे। ना कोई सब्जी कोई कुछ खुलना नहीं, लोग तो पिकनिक मनाने निकलते हैं घरों में, उनको पता हर चीज खाने को मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, उनके लिए कोरोना नाम की चीज ही नहीं है। और जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है, कभी ठीक है आजकल कुछ कोरोना केसेस में थोड़ी सी कमी आई है तो कल फिर बढ़ गए, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये नुकसानदेह काम है और इसके लिए उन्हें पूरा, और ये लॉकडाउन जो है कोई हल नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है फुल 7 दिन खुलना चाहिए, 7-8 दिन हफ्ते में पूरा खुलना चाहिए, आप टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर लो, 6 का कर लो 7 का कर लो, हैं जबकि लोग घर के अंदर रहें ना के बाहर रहे। आज मंडे है तो पूरी दुकानें जो खुली हुई है क्या कहें? आज तो खुलनी है जी, जिन व्यापार छोटा व्यापारी तो उन्होंने खत्म कर दिया। आज ये पोजीशन है कि लोगों ने कई व्यापारियों को पैसे देने हैं, बैंक की किस्तें देनी है, कुछ देनी है, उनके लिए तो मसला बन चुका है। एक छोटा व्यापारी जो इन्होंने खत्म कर दिया। अगर लॉकडाउन का फायदा होना चाहिए था, अगर 2 दिन उन्होंने लॉकडाउन रखा तो उसमें केस कम होने चाहिए थे, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें केस थोड़े बढ़े हैं, तो रश तो कम हो नहीं रहा है, तो लॉकडाउन का फायदा क्या है? सरकार हमें ये बता दे कि इस चीज का फायदा बताए हमें कि फायदा क्या है, कि सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को ही खत्म करने के लिए ये प्लानिंग रची जा रही है कि जब वास्तु में कोई चीज है। कल मैं इस साइड पे गया था, ठंडी खुई में इतना रश था, वहां पर लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई थी, क्या वहां कोविड नहीं है, वहां कोरोना नहीं है? कोरोना हमारा जो रायतिलक रोड में ही आता है, परेड में ही आता है, बाकी जगहों पर कोरोना नहीं है। तो ये फिर इन्होंने वही प्रोसीजर रखा है, शनि आतवार को लॉकडाउन करना है, और ये सिस्टम कब तक चलेगा? हम लोगों को इन्होंने परेशान करना है, बिजनेस कम्युनिटी को, कब तक ये परेशानी चलती रहेगी? इस चीज़ को खत्म करें, टाइम कम कर दें, दुकानदार उस पर एग्री हैं कि टाइम आप हमारा 6 बजे कर दें, 7 बजे कर दें, उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन ये वीकेंड लॉकडाउन जो है इसको खत्म करना चाहिए। तमिलनाडु में एक हिंदू युवती का जबरन धर्म परिवर्तन और उसके बाद युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर इस पूरे मामले पर तमिलनाडु सरकार के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की। परिषद ने देश की सरकार से धर्मांतरण के पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने और तमिलनाडु मामले के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। वो बहन जो है उस पूरे जो है प्रकरण के बाद जो है हराज होकर जो है वो सुसाइड करती है, और उसके बाद जो तमिलनाडु सरकार की जो भूमिका आती है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि इस पूरी घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि उस परिवार को इंसाफ मिले। आज देश के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आए दिन आ रही हैं, चाहे वो रेप केसेस हों, चाहे वो कन्वर्जन के केसेस हों, बहनें हमारी कब तक ऐसी सहती रहेंगी? आज विद्यार्थी परिषद मीडिया के माध्यम से यह मांग करती है कि देश के अंदर जो है एंटी कन्वर्जन लॉ भारत की सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और तमिलनाडु सरकार जो उन लोगों को बचाने का काम करे उनको बचाने का काम ना करे, और जो भी लोग उस घटना के अंदर कल्प्रिट है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
नॉन माइग्रेंट सिखों के लिए रोजगार के रास्ते न खोलने के विरोध में सिख समुदाय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। सिख समुदाय की माने तो कश्मीरी पंडित विस्थापितों को खुश करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा और नॉन माइग्रेंट सिखों के बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जम्मू में आज सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख नेता बलविंदर सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए और साथ ही साथ ये चेतावनी दी कि अगर नॉन माइग्रेंट सिखों को साफ ना मिला तो सिख समुदाय बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम एलजी सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि बार बार आप कह रहे थे भी हमारे साथ ये बेइंसाफी क्यों? ये सरकार जो सबका साथ सबके विकास करती थी, हमें नहीं लगता क्योंकि आज भी हमारे साथ बेइंसाफियां जाहिर चल रही हैं। तो आज मैं सरकार को वार्न करके हम यहाँ से जा रहे हैं कि अपनी कौम के लोगों को भी कहते हैं, सिखों को भी, खास करके कश्मीर के सिख नौजवानों को भी, कि तैयार हो जाइए। एक बहुत बड़ी एजिटेशन हमें लॉन्च करनी पड़ेगी क्योंकि जब भी कभी सरकार ने अगर सिखों को कुछ दिया अपना लेजिटिमेट राइट, हमें लड़के लेना पड़ा, हमें धरने करके प्रदर्शन करके लेना पड़ा, जद्दोजहद के बाद मिला। कभी भी प्यार से सरकार ने हमारा लेजिटिमेट राइट नहीं दिया। अगर सरकार बहुत जल्दी हमारी डिमांड को कंसिडर नहीं करेगी तो हम वार्न करके यहाँ से जाते हैं। हमें मजबूरन पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट धरने पूरे एजिटेशन ग्रास रूट पर लॉन्च करनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत जल्दी हम कश्मीर में भी जाएंगे, वहां भी लोगों को अवेयर करेंगे और तैयार करेंगे इस चीज के लिए, इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। अपना हक लेना है तो अपने डर जाइए, आपको एजिटेशन करनी पड़ेगी, सरकार प्यार से नहीं देती। जम्मू कश्मीर एसएसआरबी पर अंधेरे में रखे जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज फिर से प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन अभ्यर्थियों की माने तो एसएसआरबी ने अधिकारी जब अब कानूनी औपचारिकताओं का हवाला देते हुए उन्हें वर्गला रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर उनकी लिस्ट जारी ना की गई तो वो किसान आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज जब 3000 पेंडिंग पोस्टों की बारी आई है उन्हें भरने की, तो आज कहते हैं कि हमारे इन रूल्स में लीगल इशू आ गया है। ये सारी की सारी नाकामी हमारे चीफ सेक्रेटरी जो जीएडी के उनकी है। उन्होंने या तो रूल्स को उस टाइम नहीं देखा और हाई कोर्ट से वेरीफाई होने के बावजूद आज कह रहे हैं कि इनमें लीगल इशू आ गया। हम इनको बता देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी लिस्ट नहीं आई तो हम इन्हीं सड़कों के, जम्मू की सड़कों पर टेंट हाउस, टेंट लगा के, तंबू लगा के प्रदर्शन करेंगे जैसे किसानों ने किया। हम भी अपने घर से पूरी फैमिली लेके यहाँ बैठ जाएंगे जब तक हमारी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं किया गया। ये सारी नाकामी जेके जीएडी की है और जेके एसएसबी की है और हमें ये यूथ को रोडों पे इस नाकामयाबी की वजह से हमें रोडों पे घसीट रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। हमें जो यूथ है हमें सड़कों पे ज्यादा आने की जरूरत ना पड़े। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 3-3 बच्चे एक एक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम 3000 के 3000 बच्चे सड़कों पे दिखेंगे और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम बनेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ जीएडी और जेके एसएसबी रहेगा। जम्मू के बलबार ब्लॉक के कैंग गांव में करीब 23 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। फ्रंट का कहना है कि कुछ रसूखदारों द्वारा इस जमीन पर कब्जा किए जाने के आरोप लग रहे हैं और प्रशासन इन आरोपों पर अपना पक्ष रखने में विफल साबित हुआ है। इन आरोपों में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो सरकार को इन पर जवाब देना चाहिए। त्रई कनाल नौ मरले पलवाल गांव कैंक आरोप लगा रहा हूं मैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो नाम बता रहे हैं श्रीमान शेख शकील जी, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से निकाला है, वो भी बड़ा स्पष्ट है। अब सरकार के राघव लंगर डिविजनल कमिश्नर और ये हमारे वीसी साहब और ये जेडीए के ये सारे हाउसिंग कमिश्नर, अब इस बात का उत्तर वो दें कि ये ज़मीन है किसकी। और अगर वहाँ ज़मीन जेडीए की है, त्रई कनाल नौ मरले, उस पर जेडीए का बोर्ड लगाओ और सरकार मुझे रिकॉर्ड दे कि अब ये ज़मीन सरकार की है। और बाली भगत का अगर रिकॉर्ड सही है तो नहीं टाओ, अगर सही नहीं है एकदम उसको डा दो। मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ।
जब यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन परीक्षाओं की डेटशीट अभी तक जारी न किए जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इन सभी विभागों के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी परिसर में आज प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया और उनका कहना था कि परीक्षाएं न लिए जाने से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और लिहाजा डेटशीट जारी न हुई तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बताना चाहता हूं कि जम्मू विश्वविद्यालय का वही पुराना सिलसिला जो अपनी बातों पे कभी अड़े नहीं रहते, अपनी बात पे कभी अमल नहीं करते, कुछ बोलते हैं करते कुछ है, इन्होंने फिर वही किया, फिर छात्रों के जीवन के साथ खेलने का प्रयास किया। अब फिर इन्होंने इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ऑनलाइन एक डेटशीट का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे फाइनल ईयर के लॉ के स्टूडेंट है, बीएड के छात्र है, जिनकी यहाँ पे डिग्रीज अभी डिले हो रही है, जिनका टाइम से सेशन कंप्लीट नहीं होगा तो वो बाहर जाके आगे अपने फर्दर स्टडीज में कैसे करेंगे, इस चीज का कोई जवाब नहीं है विश्वविद्यालय के पास। इसलिए हम आपके माध्यम से ये वाइस चांसलर साहब से, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन से मांग करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की डेटशीट ऑन टाइम जल्द से जल्द रिलीज की जाए, अदरवाइज ये छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता है। फसलों का बीमा करवाने के बावजूद किसानों को मुआवजा न दिए जाने के आरोप में कांग्रेस की ग्रामीण इकाई ने आरएसपुरा में आज प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीमे की राशि अदा किए जाने के बावजूद भी आज कई किसान मुआवजे के लिए दरबदर हो रहे हैं लेकिन प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता मोहन चौधरी ने चेतावनी दी कि प्रशासन ने अगर किसानों के प्रति अपने रवैये में सुधार न लाया तो कांग्रेस इस वर्ग को लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएगी। जो हमारी आफत आई ये पिछले दिनों जो हमारी फसल धान की खराब हो गई उसका सरकार ने अभी तक इंश्योरेंस का पैसा, जो फसल का इंश्योरेंस हुई थी उसका एक भी रुपया किसी को नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार रोज कहती है इंश्योरेंस करा, जब लोगों ने अपना पैसा कटा दिया भाई, उनको 5,000 कनाल उन्होंने फिक्स किया था देंगे पर आज तक एक पाई पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया गया भाई? किसान का क्या कसूर है? जिसने नहीं पैसा दिया कटवाया उसका चला जाए कोई बात नहीं, तो जिन लोगों ने दिया उनको क्यों नहीं मिल रहा? ये बड़े दुख की बात है। बार बार किसान डिमांड कर रहे हैं, हर जगह डिमांड कर रहे हैं, मगर सरकार के कानों में जूड़ नहीं रही। हम तो चाहते कि क्यों लोग पैसा कटवाएंगे, सरकार कहाँ सोई हुई है, कब के ये फसल खराब हुई, अब तो आधा टाइम तो दूसरी फसल का भी हो गया, ताकि हमें सड़कों पर ना आना पड़े। अगर सरकार नहीं मानेगी हम बार बार सड़कों पर आएंगे, उनको मजबूर करेंगे। ये थोड़ा मतलब कि इलेक्शन आए तो आप पैसा दे उसके पहले नहीं देंगे, ये बहुत बुरी बात है। जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को जो इंश्योरेंस का पैसा फसल का उसका दीजिए। ग्रामीण हलकों में नए निर्माण कार्यों को लेकर सरकार द्वारा तय किए नियमों का कड़ा विरोध हो रहा है और नए नियमों को लेकर आरएसपुरा के सलैड में बहुजन समाज पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इन नियमों को जल्द वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता तिलक राज ने कहा कि नियमों से जहां गरीब जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वहीं भ्रष्टाचार को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। जो भाई तरीक को इन्होंने लागू किया कि हर गांव के अंदर कोई भी अगर किसी ने कोई छोटा सा मकान बनाना हो, कोई रसोई बनानी हो, कोई बाथरूम बनाना हो, कोई छोटा खुरली मवेशियों के लिए चराहे के लिए कोई खुरली बनानी हो, उस पर जो इन्होंने कानून लागू किया है कि जिसके पंचायत की परमिशन चाहिए, बीडीओ की परमिशन चाहिए, पटवारी तहसीलदार की चाहिए, पटवारी तहसीलदारों के पास पहले ही बहुत काम है, वो महीना महीना नजर नहीं आते और ये इतना बोझ उन पर डाल दिया है, ये लोगों पर बहुत जुल्म कर रही है सरकार। और हम तो चाहते हैं कि ऑनरेबल जी साहब इस पर फौरन गौर किया जाए और इस कानून को वापस किया जाए, क्योंकि लोग कोरोना की मार से पहले ही परेशान है, पहले ही महंगाई के कारण लोग दुखी हैं और दूसरा जय कानून लागू करके लोगों पर और बोझ डाल दिया है, जय सरासर बेइंसाफी है, क्योंकि इस कानून से गरीब लोगों का बहुत बोझ पड़ेगा, क्योंकि इसमें करप्शन बढ़ेगी, पटवारी तहसीलदार नजायज लोगों से पैसे लेंगे, पैंच से पैंच भी लूट करेंगे। सेना का ऑपरेशन सद्भावना खासतौर पर दूरदराज के इलाकों के लोगों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने सुरनकोट के मरहुट गांव में एक मेडिकल व वेटनरी कैंप लगाकर कई लोगों को राहत पहुंचाई। कैंप का उद्घाटन सुरनकोट के एसडीएम ने किया जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उनके माल मवेशी का इलाज भी किया गया। इस कैंप के आयोजन के लिए स्थानीय लोगों ने सेना का आभार जताया है।
मेडिकल कैंप ये 6 सेक्टर आरआर और 16 आरआर की तरफ से ये मनकद किया गया। यहाँ पर मकसद ये था कि लोगों को वो हेल्प प्रोवाइड की जाए जो लोगों को मिल नहीं सकती। यहाँ पर हर किस्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहबान बुलाए गए हैं, लोगों का फ्री चेकअप किया जाएगा मेडिकल कैंप में और मेडिसिन भी दी जाएगी और साथ में एक प्रोग्राम चला रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो प्रोग्राम भी साथ साथ में रखा हुआ है। जो बच्चे फरीदकोट में हमारी टाउन कंपनी में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके वो आज आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और डिफरेंट किस्म के कोर्सेज वगैरह जो ट्रेन के जो है ना ये हमारी 16 आरआर फरीदकोट में करवा रही है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि फ्यूचर के लिए अपने मुस्तकबिल के लिए बच्चे फाल हो सके। तो ये बिलखसूस हमारी आवाम के लिए बड़े फायदे की चीज है और मैं खसूसी तौर पर जितने भी लोग यहाँ आए हैं सरपंचेस पंचेस नंबरदार चौकीदार और हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एसडीएम मैम यहाँ तशरीफ लाई हैं और भी ऑफिसर यहाँ आए हैं, मैं खसूसी तौर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबका थैंक्स करता हूँ और ये यकीन रखता हूँ कि आज का कैंप एक बड़ा कामयाब कैंप है। काफ़ी तादाद में लोगों ने बेनिफिट लिया है, वेटनरी के डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, सर्जन अवेलेबल हैं, आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, बोन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, तो ये खसूसी तौर पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़े तादाद में यहाँ मोड़ा बशे लाहौर में जो कैंप लगाया खास करके अलावा नेशनल अकेडमी में, तो मैं सब ऑफिसर्स का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का और खसूसी तौर पर इस कैंप के ऑर्गेनाइजर इंडियन आर्मी का थैंक्स कर। कठुआ में मेहताबपुर से डोलघट तक सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत से लोगों को जल्द निजात मिलने जा रही है। कई हादसों का सबब बन चुकी सड़क की मरम्मत का काम आज आखिर का शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंद सिंह ने इस काम का उद्घाटन किया। क्या से कर दे और बड़ा शुक्रिया चढ़ाना इमीजिएटली एक्शन लिया ते फिलहाल आर्थ वर्क का कम करा लगे न और कन्नै जी दूई गल इन्हें आखी है कि जो सारा कंडी पट जोड़ना हा मैं ओद पर भी शुक्रिया अदा कर क्योंकि ये भी बड़े चिर की डिमांड ही और अज अपने जिसे कन्नै लेई है तो डीपीआर बनाने वास्ते यार मैं ओद पर भी शुक्रिया करगा। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में पार्किंग की बद से बदतर हो रही व्यवस्था से लोग परेशान हो रहे हैं। पार्किंग का दोबारा टेंडर न होने से लोग बेतरतीब ढंग से गाड़ियां पार्क करने को मजबूर हो रहे हैं जिससे मरीजों और उनके ईमानदारों को दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। इस बात का पर क्या कहना है स्वयंसेवियों व आम लोगों का आइए आपको बताते हैं। लगाने की व्यवस्था है वो सही नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जे हॉस्पिटल का प्रशासन इमरजेंसी गेट से लेकर जो हमारा मेन गेट है जहां से गाड़ियां हॉस्पिटल के अंदर इंटर करती हैं वहां से लेकर इमरजेंसी गेट तक जहां पे ट्राली के ऊपर पेशेंट रखना होता है वो फासला सिर्फ कुछ मीटर का है। आज तक हॉस्पिटल प्रशासन वो अरेंजमेंट कराने में नाकामयाब रहा है कि जहाँ से बड़े गेट से मेन गेट से जहाँ इमरजेंसी गेट तक गाड़ी पहुँच सके हर वक्त जहाँ पे जाम लगा रहता है और कई बार सीरियस पेशेंट होता है और उसको इमरजेंसी में पहुँचाना है और कई बार जाम में गाड़ियाँ फंस जाती हैं जिसका कभी कभी पेशेंट को बड़ा नुकसान होता है। जहाँ पे देखा जाता है कि जब पेशेंट अंदर एडमिट हो जाता है तो उसका अटेंडेंट जब बाहर आता है तो उसकी गाड़ी जाम में फंस चुकी होती है तो कईयों ने लोगों ने घर में जाना पड़ता है सामान लेने के लिए कोई दवाइयां लेने के लिए कोई और चीज़ें लेने के लिए उस वक्त बड़ी परेशानी होती है जब उनकी गाड़ी यहाँ पे जाम में फंस जाती है। तो इस जो दिक्कत इस वक्त आ रही है इसका तुरंत कोई ना कोई निवारण हॉस्पिटल प्रशासन को करना चाहिए। ये इमरजेंसी सर्विस होती है इसकी हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जहाँ हो सके उनको रास्ता रुस्ता पहले देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। तो जो आपस में झगड़े का सवाल है वो यही है कि सिस्टम वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इसको देख रहा है ना कुछ कर रहा है। तो इसलिए चाहिए जैसे पहले 2-3 साल पहले चल रहा था 4-5 लड़के होते थे वो आराम से अपनी गाड़ियाँ लोग आते थे गाड़ी लगवाते थे उनसे पर्ची सिस्टम होता था और कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। ये जो है कि प्रशासन को चाहिए कि ये हैंड ओवर कर दे किसी और एजेंसी को या पर्टिकुलर पर्सन को कर दे कि वो इसको देख सके और आगे आने वाली दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
जिला रामबन में कुष्ठ जागरूकता अभियान स्पर्श की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ डीसी रामबन मुसद इस्लाम ने किया। डीसी रामबन ने कुष्ठ रोग के इलाज और कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए जिला कार्यालय परिसर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर लोगों को कुष्ठ रोग और इसके इलाज के साथ साथ कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करेगा। और इस अवसर पर एडिशनल डीसी हरवंश शर्मा, सीएमओ डॉक्टर मोहम्मद फरीद भट्ट सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वर्ल्ड लेप्रसी डे पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में आईईसी कैंपेन जो है वो फ्लैग ऑफ किया है। ये कैंपेन आज से लेकर 13 फेब तक रहेगा और ये कैंपेन जो है हर ब्लॉक में जाएगा, जहां पर हम लोगों को लेप्रसी जो डिजीज है इसके बारे में अवेयर करेंगे और उन्हें जो है सेंसिटाइज करेंगे रिगार्डिंग अर्ली साइंस ऑफ लेप्रसी। अगर लेप्रसी बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा तो इसकी फुल ट्रीटमेंट होती है और फुल रेस्टोरेशन होती है। उसके अलावा इस कैंपेन के साथ हमने काफ़ी और चीज़ें भी इंटेग्रेट की हैं, जैसे हमारी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन में 15-17 ईयर्स की बच्चों की वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है। उसमें ऑलरेडी हमने कोई तकरीबन 60% जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन लगाई है, लेकिन अभी भी 40% वैक्सीनेशन मोर लेस अराउंड 8,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगाई है और कोविड सर्च में उनका डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। इस कैंपेन में उसको भी इंटेग्रेट किया जाएगा और ख़ास तौर से हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि आपको पता है पिछले 8-10 दिनों में हमारे केसेस काफ़ी बढ़े हैं और कोविड में अभी भी हमारे पास 650 एक्टिव केस लोड है, तो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और उसके अलावा अननेसेसरीली जब तक कोई इमरजेंसी ना हो पब्लिक प्लेसेस में ना आने के बारे में भी लोगों को जो है वो जो है अवेयर किया जाएगा। पुंछ कस्बे के साथ सटे गांव कानोया के लोग जंगली जानवरों से बेहद परेशान हैं। जंगली जानवर ऊपरी इलाकों से नीचे उतरकर गांव के लोगों की फसलें तो तबाह कर ही देते हैं, साथ ही साथ उनके माल मवेशी को भी निशाना बना डालते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जंगल के साथ कंटीली तारे लगाने की मांग की है ताकि उन्हें अब वो नुकसान न सहना पड़े। अब ये इतना घना जंगल बन चुका है, मैं बोलता हूँ पूरी सिटी के लिए खतरा बन चुका है, बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। कल अगर कोई ऐसा हादसा होता है, अब ये देखें ये ककड़ मारी गई है, इससे पहले भी मारी गई, शेर ने मेरे 3 कुत्ते शेर उठाकर ले गया। मैं जंगलात वालों को रिक्वेस्ट की, अच्छा उन्होंने थोड़े बहुत गोले दिए जी, गोले उठा लो शेर भाग जाएगा। अभी इतना बड़ा सूर आ रहा है, तकरीबन 40-40 सूर गठे जा रहे हैं गाँव के अंदर। अगर अगले साल मेरा ख्याल है ना कोई फसल होगा ना कोई मक्की होगी, क्यों ये पूरे तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं डीसी साहब से, फॉरेस्ट वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जहां इन्हें मारने की इजाजत दें, अगर नहीं देते कल अगर हमारा नुकसान होगा वो डीसी साहब को और जंगलात को देना पड़ेगा। बात आगे छोटी सी मैं बताऊं कि 4:15 बजे मेरी बीवी इधर झाड़ू झूड़ू देती है रोड, ये जो मीट का पोथरा नीचे पड़ा है ना, ये 4:45 बजे नहीं था, लास्ट बात के कुछ 4:45-5 बजे ये हुआ। तो अब आपको भी सारा ही समझिए, बाकी जंगली चीज है, मारने की इजाजत किसी को है नहीं है। अपील करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटेक्शन दिया, या तो तार फेरी जाए या कोई ऐसे राइफल वाला कोई बता दो। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न दूरदराज इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए हर घर नल योजना का शुभारंभ किया था, लेकिन सरकार इस योजना का लाभ जिला पुंछ के ब्लॉक बालाकोट के कलर मोड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 2 के लोगों को अभी तक नहीं मिली। इन वार्डों के लोगों का आरोप है कि आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें पानी के लिए 2 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है और वहां पर भी उन्हें घंटों इंतजार के बाद पानी नसीब होता है। इन लोगों का आरोप है कि वो कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनके लिए पानी की 2 बूंदों का बंदोबस्त नहीं किया। हमने यही साहब को भी यही बात बताई कि आप आए जनाब यहाँ पे विजिट करें और देखें आकर कि हमारे गांव में पानी है या नहीं है। हमारी माए बहने दो किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं और 3-3 घंटे एक एक मटके का इंतजार करती हैं। तो जनाबे वाला हमारी ये अपील है आपसे कि आप आए, चेक करें
कि हमारे वार्ड में पानी है या नहीं है, जो कि ये वार्ड नंबर 2 वार्ड और वार्ड नंबर 1 के साथ सरासर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो कि 1947 से लेकर आज 2022 तक कोई भी हमारे गांव में कोई भी पानी नहीं है। अगर वो लिफ्ट स्कीम एक आई भी और वो वहां आई जहां ऑलरेडी वहां पर टैंक था, हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये बात करना चाहते हैं, जल शक्ति डिपार्टमेंट से ये बात करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटर एडमिनिस्ट्रेशन टू से ये बात करना चाहते हैं कि अगर एक लिफ्ट स्कीम आई और फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के होते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हम बड़े ही अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि अगर एई साहब को एक एप्लीकेशन दी और एसडीएम साहब ने यह कहा कि टू डेज के अंदर जो है एई साहब मुझे रिपोर्ट देंगे, लेकिन एई साहब ने उसी 2 दिन के अंदर की, आज 15 दिन हो गए, कोई भी उस पर कोई एक्शन, कोई उस पर जो है हमें कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम फिर जो है हम आवाम जो वार्ड नंबर 1-2 के जो लोग, हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करते हैं कि आप मौके पर आएं, मौके पर देखें और इसके ऊपर एक्शन करें। अगर आप इस पर एक्शन नहीं करेंगे तो हम कल रोड पर उतर जाएंगे, जिसके पूरी रिस्पांसिबल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटर और पूंछ होगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।